अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल, हाउ आर यू? सर आई एम फाइन। ओके, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सर माय नेम इज मुजम्मिल हुसैन, माय फादर नेम इज चीफ टेक राशिद अली। आई स्टडी इन क्लास 7 इन फजाई इंटर कॉलेज कुरंगी क्रीक। माय फादर वर्क एज एन इंस्ट्रक्टर इन पीएएफ। माय हॉबी इज टू प्ले मोबाइल गेम एंड प्ले विद माय यंगर ब्रदर्स। आई वांट टू बिकम अ जीडीपी पायलट। Why do you want to become a pilot? Sir, because my father was also in an PAF and it's my dream from childhood to become a GDP. Why do you want to join Pakistan Air Force and not Pakistan Army or Navy? Sir, I want to join Pakistan Air Force because my father was also in PAF and it's my dream to become a GD pilot. Okay, apni khubiyan batao beta. Sir, I am obedient, I am patient, I am a hard worker. Okay, aapka favorite subject kaun sa hai? सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ। मैथमेटिक्स। सर। ओके, अगर एक गाड़ी की स्पीड है 900 किलोमीटर पर आवर तो 6 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर, ठीक है। आपने वो वीडियो देखी है मैथ ट्रिक वाली जो मैंने दी है? यस सर, देखिए। उसमें ये सारे क्वेश्चंस मौजूद है, ठीक है। व्हाट इज योर फेवरेट हॉबी? Sir, my hobby is to play mobile game and play with my younger brothers. What kinds of book do you read? Sir, I'm entertaining books. What type of entertaining books? Sir, like... Give me some name. A Diary of a Wimpy Kid. Okay, and what's your favorite game? Sir, my favorite game is... Cricket. Cricket, okay. And favorite player? Sir, my favorite player is Shoaib Malik. Shoaib Malik? Shoaib Malik kahan paida hua hai? Sir, Sialkot mein. Sialkot mein. Shoaib Malik ne abhi tak kitni centuries banaye hai one day mein? Sir, Shoaib Malik ne? Ji. Sir, ek banaye hai. One whole 13 upon 36 ka square root kya hoga? Sir, 7 upon 6. Okay, if the cost price of a book is 500 and there is 25% profit, then what will be the sale price? That's 630. Do your calculation again, once again. सर सिक्स, सॉरी सर, 500 का 25% कितना होगा? 500 का 25% सर 125। हाँ, 500 में 125 प्लस करें। 725 और 625? 625। ओके, कैलकुलेशंस फास्ट की और सही, क्विक एंड करेक्ट एक्शन इज रिक्वायर्ड। ओके ओके सर। इफ द मार्क प्राइस ऑफ अ बाइसाइकिल इज ₹400 एंड देयर इज अ 10% डिस्काउंट, व्हाट विल बी द सेल प्राइस? सर 440। 400 का 10% कितना होगा? 400 का 10% सर 40। अब 400 में से 40 माइनस करें सर 360। देन व्हाई डू यू टेल मी 340? सर टोटल प्राइस बताने थे ना? नो, सेल प्राइस बतानी है और वो 360 ही है, ठीक है? ओके सर।
दुनिया की चार बड़ी चीजों के नाम बताएं। K2, माउंट एवरेस्ट, आईफल टावर, बुर्ज खलीफा। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? हसान सर हसान अहमद। अहमद आपका बेस्ट फ्रेंड क्यों है? सर क्योंकि वो मेरे साथ बचपन से है, मैं 3 क्लास से वो मेरे साथ पढ़ता आ रहा है और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। आप लोग कुरंगी में इतने बचपन से हो क्या? अच्छा, ऐसे हम सर 3 3 क्लास से इधर ही। जबरदस्त। अगर आपको अम्मी अब्बू के बगैर रहना पड़े तो आप रह लेंगे? सर रह लेंगे हसान के अलावा और कितने दोस्त हैं? सर, और भी दोस्त हैं कैसे दोस्त रखते हो? सर, अच्छे से दूसरों की मदद करते हैं और बुरे टाइम में छोड़ के नहीं जाते। नो ओके, आप पे कभी बुरा टाइम आया है? सर, ओके, एक गुड सिटीजन की क्या क्वालिटीज होने चाहिए? गुड सिटीजन पे टैक्स पे करना होता है, गुड सिटीजन को उसको अपना मोहल्ला साफ कर रखना होता है, वो दूसरों की मदद करने वाला होना चाहिए और ट्रैफिक रूल ऑबे करना हो। सर ठीक है, कैसे दोस्त नहीं रखने चाहिए? जो गाली गलौज करते हो, जो पढ़ते ना हो, दूसरे की मदद ना करते हो। हु इज योर फेवरेट टीचर? सर माय फेवरेट टीचर इज माय मैथमेटिक्स टीचर। सर ओके, तो मैथमेटिक्स तो आपका स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, जो भी क्वेश्चन कर रहे हो गलत कर रहे हो, वजह क्या है? तो कैलकुलेशन में थोड़ा मसला है वैसे। सर 400 का 60% कितना होगा? 240 240। ओके, 1/2 बड़ा है या 2/4? सर 1/2। वाओ, 1/2 और 2/4 इक्वल होते हैं। ठीक है, ओके सर, सॉरी। अगर 100 रुपीज पे 2.5 रुपीज जकात हो तो 1,000 पे जकात कितनी होगी? सर दोबारा रिपीट करें। 100 रुपीज पे जकात कितनी होती है आपको पता है? सर 100 रुपीज, सर 25। 100 पे 2.5 ज़कात है, ठीक है, 2.5 रुपीज। ओके, 1,000 ओके सर, पे ज़कात कितनी होगी? सर 2,000, 1,000। 1,000। सर 25। 25। ओके, सिंध के गवर्नर का नाम क्या है? सर सिंध के गवर्नर का इमरान इस्माइल। बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर कौन है? ओके, सर बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर महमूद खान। व्हाट इज वो पीडीएम स्टैंड्स फॉर? पीडीएम, सर पीटीएफ, पीडीएम, सर जी। पीडीएम, सॉरी सर। सर ओके, कल लाहौर का जलसा देखा था आपने? नो सर, मैंने ओके देखा। ओके 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 ओके, फेवरेट फूड? सर बिरयानी। बिरयानी। ओके, कराची की बिरयानी मशहूर है इस वजह से? वेयर नो सर, वैसे भी अच्छी लगती है। इज अर्जेंटीना? सर अर्जेंटीना इज इन साउथ अमेरिका। कभी चीटिंग का चांस मिला है आपको? यस सर मिला। नो क्या आपने कभी चीटिंग की है? सर। चांस मिलके भी नहीं की? यस सर, अब पता है कि पकड़ा जाऊंगा तो कुछ। डरते हो? सर अब पकड़ा जाने से सर डरते हैं। सर किस चीज से डरते हो? वैसे ही मुझे याद होता है, चीटिंग करने से कुछ मिलता भी नहीं, मुझे याद ही होता है। व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम? सर सर्कुलेटरी सिस्टम इज आंसू आंसू का वैस्कुलर सिस्टम। इट्स कैरी फूड्स एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द बॉडी। बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हो? सर आई बेसिकली आई बिलोंग टू टंडोलियर। ओके, सीपैक पे स्पीच करो बेटा।
CPEC stand for China Pakistan Economic Corridor. It was opened in 2015. It is 3,218 kilometers long. Most of the area of the CPEC is in Pakistan and small area is in China. It helps the life of the people of China and Pakistan, and it only not helps the Pakistan and China. It also gives good impact on the neighboring countries like Iran and Afghanistan. Okay, Pakistan ki koi char badi cheezon ke naam bataein. Sir, K2, Faisal Mox, Bachai Masjid, HBL Building. Okay, fossil fuel kya hota hai? Sir, fossil fuel are the dead bodies of the plants which are buried in the ground for 10-20 years. Okay, kya aapko lagta hai ki aap select ho jayenge? Sir, inshallah main select ho jaunga. क्यों आपको क्यों ऐसा लगता है सर क्योंकि मैंने बहुत काफी मेहनत की और मेरा इंटरव्यू भी काफी हद तक अच्छा जा रहा है तो इंशाल्लाह मैं पास हो जाऊंगा अगर आप सिलेक्ट ना हुए तो आप क्या करोगे सर पहले तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा अगर खुदा ना खास्ता अगर मैं सिलेक्ट ना हुआ तो एफएससी के बाद दोबारा कोशिश करूंगा ओके आपकी पसंदीदा शख्सियत यानी हु इज योर फेवरेट पर्सनालिटी सर मेरी फेवरेट पर्सनालिटी सर सर मेरे अब्बू ही हैं सर उन्हीं को देख के मैं हल्का करता हूँ ओके व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी सर बिग बैंग थ्योरी द फुल द द सोलर सिस्टम वाज पैक्ड इन अ जॉइंट फायरबॉल 10 टू 20 बिलियन अगो एंड द एक्सप्लोजन इन दिस फायरबॉल वाज कॉल्ड बिग बैंग थ्योरी टोटल निशाने हैदर कितने लोगों को मिला सर 11 लोगों को मिला ठीक है आखिरी निशाने हैदर किसको मिला सर आखिरी निशाने हैदर किसको मिला जी सर सर शेर खान था कर्नल कर्नल शेर खान ये आपने कहाँ से देखा सर शेर याद आ रहा था आगे मुझे इसकी चीजें नहीं याद आ रही ठीक है ये जरा कंफर्म कर लो अपना आंसर ठीक है मुझे रॉन्ग लग रहा है अब्बू की क्वालिफिकेशन क्या है सर उन्होंने एमए किया हुआ किस सब्जेक्ट में सर सर उन्होंने इंग्लिश में किया हुआ वाओ गुड तो फिर तो आपको इंग्लिश अच्छी आती होगी ना सर पढ़ाते नहीं कल डू इट राइट नाउ चेंज इनटू पैसिव वॉइस सर दोबारा बोलो डू इट राइट नाउ डू इट राइट नाउ द वर्क हैज टू बी डन राइट नाउ गलत लेट इट बी डन राइट नाउ ओके लेट इट बी डन राइट नाउ Not right now, okay. Okay, sir. National tree of Pakistan. Sir, Deodar. And national flower. Sir, national flower, jasmine. GDP में क्या qualities होने चाहिए? Sir, GDP hard worker होना चाहिए. GDP डरना नहीं होना चाहिए. डरता नहीं हिम्मत वाला होना चाहिए. GDP किसी से डरने वाला नहीं होना चाहिए तो आप तो डरते हो ना सर GDP आप डरते हो सर मतलब पकड़ा जाए नो सर ओके किसी चीज से नहीं डरते ओके बेस्ट ऑफ लक और मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको कामयाब करे और अल्लाह आपकी सिलेक्शन करे इंशाल्लाह इसी तरह मजीद मेहनत जारी रखना जो इंटरव्यू क्वेश्चन मैं आपको भिजवा चुका हूँ उसको अच्छी तरह से रिवाइज करना मैथ की क्वेश्चन की अच्छी सी प्रैक्टिस करना लाजमी ठीक है और इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन एक दफा दोबारा कर लेना टेंसेस एक्टिव पैसिव वाइज स्पेशली ओके बेस्ट ऑफ लक मिस मोहम्मद हारिस माय नेम इज हारिस आई रेडी क्लास 7 फदाई डिग्री कॉलेज प्रोफेसर माय फादर नेम इज अब्दुल कादिर एक्स एल डब्ल्यू इज नाउ ही इज लॉयर माय एम इज टू बिकम अ जीडीपी ओके व्हाई डू यू वांट टू जॉइन पाकिस्तान एयर फोर्स I want to join Pakistan Air Force because it is my aim to become a GDP to serve my country and
ओके फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कौन थे? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। ओके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद का नाम? ड्यूरल लाइन। ओके आप फिजाइया में एजुकेशन में क्या चेंज लाना चाहते हैं? आपको क्या खामियां नजर आ रही है? सर फिजाइया में कोई खामी नहीं है। मतलब अगर आप एजुकेशन को इम्प्रूव कराना चाहे, ठीक है, अगर आपको ऐसी कोई पोस्ट मिले जिससे आपको फिजाइया को इम्प्रूव करने का मौका मिले तो व्हाट विल यू इम्प्रूव? इस तरह के क्वेश्चंस इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए कॉमन सेंस अपना यूटिलाइज करना और कॉमन सेंस ही आंसर देना। कुछ क्वेश्चंस अनसीन आ सकते हैं, इसलिए मेरा भी काम है अनसीन क्वेश्चंस करना। ओके गेम कौन सी पसंद है बेटा? आउटडोर गेम जी। गेम कौन सी पसंद है? सर क्रिकेट। क्रिकेट में आपका फेवरेट प्लेयर कौन है बेटा? सर वो शेर मलिक। ओके पाकिस्तान के मसाइल बताओ। तो पाकिस्तान में मसाइल है, लोड शेडिंग का मसला है सर, एजुकेशन का मसला है सर, और बस। एजुकेशन का क्या मसला है बेटा? सर देहात में बहुत कम एजुकेशन है। ठीक है किस तरह इम्प्रूव की जा सकती है? सर अगर हुकूमत देहात में स्कूल अच्छे स्कूल ताबे कर दे, उनको अच्छी टीचर्स और असाधा अच्छी मुहैया कर दे तो एजुकेशन बेहतर हो सकती है। ठीक है वेल डन। डिफाइन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम is a system that organism live together and depending on each other. Depending on each other. Okay, we are living things and non-living things interact each other. ऐसा ही है? Yes sir. आपको क्यों नहीं आ रहा? आपको मैंने कहा था कि साइंस को अच्छी तरह से स्टडी कर ले इंटरव्यू से पहले, ऐसे ही था? Yes sir. What is 5% of 90? 4.5. And what is 25% of 80? 20. Okay, अगर आपको 2 लाख रुपए मिले सड़क पे तो आप क्या करोगे? सर पुलिस स्टेशन का करा दूंगा। ओके इफ द प्राइस ऑफ ए शर्ट इज ओनली 50 रुपीज बट शॉपकीपर इज योर रिलेटिव एंड गिव यू अ डिस्काउंट ऑफ 15%, देन एट व्हाट प्राइस विल यू बाय दैट शर्ट? अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है? काबुल। सऊदी अरब पाकिस्तान के किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ। न्यूजीलैंड नहीं, नॉर्थ में कहां पे यार, मैप स्टडी कर लेने लाजमी। न्यूजीलैंड पाकिस्तान के किस डायरेक्शन में है? साउथ। न्यूजीलैंड किस कंटिनेंट में है? ओशेनिया। न्यूजीलैंड का कैपिटल? न्यूजीलैंड के कैपिटल, सॉरी सर। आप घर से 70 रुपीज लेकर गए हो और आपने 70% का लिए, तो बताओ कितने का लिए?
49. नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज के नाम बताओ. ओके, कनाडा, यूएसए, पनामा, बहामा. यस, ओके ओके, काफी है. वेल डन, जबरदस्त. कहाँ के रहने वाले हो सर? सखर. सखर का क्या मशहूर है सर? शिकारपुर. क्या मशहूर है सखर शिकारपुर का? अचार. ओके, दुआए कुनूत तो आपने मुझे सुना दिया था, ठीक है. सुबह से बारिश हो रही है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश. It has been raining since morning. If a speed of a car is 360 km per hour, how much distance will it travel in only 3 minutes? 18 km. Okay. Sindhi ho ya Punjabi ho? Sir, Urdu speaking. Urdu speaking, okay. Shararate karte ho? यस सर. अब्बू क्या कर रहे हैं आजकल? सर अब्बू लॉयर्स है. ठीक है. जापान हमारे किस साइड पे है? जापान साउथ. What is the difference between good and bad student? Good student is those who reply me quickly, please. Who is responsible for their duties and they are intelligent, and bad student are those who is not responsible for their duties and kya good student discipline ka khayal rakhta hai? Yes sir. Bad student discipline ka khayal rakhta hai? No sir. Good student achhi wali study karta hai? Yes sir. बैड स्टूडेंट करता है? नो सर. ये सब कुछ बताया करो ना यार. बलूचिस्तान की किसी 5 सिटीज के नाम बता दो. ओके सर. क्वेटा, गवादर, तुर्बत, खुजदार, चमन. अम्मी अब्बू में कौन पसंद है? अम्मी. क्यों अब्बू क्यों नहीं पसंद? सर अम्मी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड होता है शायद इस वजह से. ठीक है. इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक इज 400 एंड देयर इज अ 30% प्रॉफिट, व्हाट विल बी द सेल प्राइस? 520. ओके, जीडीपी में क्या क्वालिटीज होने चाहिए? सर जीडीपी ऑनेस्ट हो, रिस्पॉन्सिबल हो, और कॉन्फिडेंट हो सर. आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं? यस सर. ऐसी कोई क्वालिटी जो जीडीपी में आपने बताई और वो आप में ना हो? सर नो सर. Who is the role model of your life? Qaide Azam. KPK ka chief minister kaun hai? Mahmood Khan. Respiratory system ka kya kaam hai? Sir, respiratory system saans ke wo hota hai. हम सांस लेते हैं तो लंग्स में जाता है और लंग्स में. फेसबुक यूज करते हो बेटा? नो सर. ओके, वेल डन.
माशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। मैप को लाजमी स्टडी करें, आपका मैप अभी भी वीक है, एक मैप आप ले लेना और उसमें ये स्टडी करना कि कौन सी कंटिनेंट में कौन सी कंट्रीज है और वो कंटिनेंट हमारे किस साइड पे है। तो जब आपको कंटिनेंट की कंट्रीज का भी पता होगा और वो कंट्रीज हमारे किस साइड पे है, तो वो अगर आप ये इतना से याद कर ले कि कंटिनेंट किस साइड पे है तो कंट्रीज का खुद ही पता लग जाता है। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक, मेरी दुआ है अल्लाह आपको कामयाब करें और इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी, अल्लाह आपको अपनी मेहनत का सिला दे, आमीन।